वेल माय डियर स्टूडेंट्स, सो थोड़ा लेट हो गया क्लास स्टार्ट करने में, बट नो इश्यूज माय डियर स्टूडेंट्स। आज इकोनॉमिक्स का बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं इंडिफरेंस कर्व पढ़ाऊंगा, बट माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जानने से पहले आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से यूटिलिटी कैन बी मेजर। हम लोगों ने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, द फेमस इकोनॉमिस्ट हिक्स एंड एलन दे डिसरिगार्डेड दिस फैक्ट, दे डिसरिस्पेक्टेड दिस फैक्ट, दे सेड नो इट कैन नॉट बी डन सो। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा ऐसा कैसा बात बोल रहे हैं आप, यूटिलिटी को कैसे मेजर करिएगा, हाउ कैन यू मेजर द सेटिस्फैक्शन, बिकॉज़ सेटिस्फैक्शन बीइंग अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना यू कैन नॉट मेजर इट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हिक्स एंड एलन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा। हिक्स एंड एलन ने कहा था कि वी कैन नॉट मेजर द सेटिस्फैक्शन। उन्होंने कहा था कि हम लोग सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि सेटिस्फैक्शन एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हिक्स एंड एलन हैज गिवन द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। नाउ द वेरी बिग क्वेश्चन दैट अराइजेस, what is ordinal concept of utility measurement? So my dear student, according to ordinal concept, उन्होंने कहा कि एक आदमी को अगर आप दो सामान देंगे A और B, तो वो आदमी ये नहीं कह सकता कि A से कितना satisfaction मिला, वो आदमी ये नहीं कह सकता कि B से कितना satisfaction मिला। What that person can say is कि A is better than B और B is better than A और both are equal। एक आदमी को अगर आप दो सामान देते हो A और B, तो वो आदमी क्या बोलेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी इंसान को दो सामान दोगे तो इंसान उस बात को वहां पे तीन सिचुएशन में प्रेजेंट कर सकता है। या तो वो आदमी ये कहेगा A is better than B, या तो वो इंसान ये कहेगा B is better than A, और वो इंसान कहेगा both are equal। एक इंसान ये नहीं कहेगा कि A से मुझे 20 किलो सेटिस्फैक्शन मिला और B से मुझे 10 किलो सेटिस्फैक्शन मिला, A से मुझे 30 किलो सेटिस्फैक्शन मिला और B से मुझे 5 किलो सेटिस्फैक्शन मिला। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के हिसाब से यूटिलिटी, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, और यूटिलिटी कैन बी रैंक, और यूटिलिटी कैन बी प्रीफर्ड, यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड। व्हाट अ पर्सन कैन से इज ए इज बेटर देन बी और बी इज बेटर देन ए और बोथ आर इक्वल, यही एक इंसान कह सकता है। चलो भाई आगे पढ़ते देखो भाई, तो आप बुक निकाल लीजिए, स्टडी मैट निकाल लीजिए, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा पूरा इंडिफरेंस कर्व बता दूंगा भाई। आप किसी भी लेवल में हो, किसी भी एग्जाम में हो, ये इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट आपको बड़ा हेल्प करेगा समझने में, ठीक है भाई। तो देखो भाई, सवाल ये है, पहले इंट्रोडक्शन स्टडी मैट से पढ़ के सुना दे कि हमने अपने स्टडी मैट में इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। चलिए भाई, बुक सबके सामने है, निकाल लीजिए। बोला है हिक्स एंड एलन डिसरिगार्डेड द कार्डिनल कॉन्सेप्ट, अग्रीड, डू यू अग्री ऑर नॉट, प्लीज कमेंट में बताइए, अग्री करते हैं ना भाई। उसके बाद, this theory is related with the ordinal concept according to which satisfaction being a psychological phenomena very difficult to measure। और concept क्या है? According to Hicks and Allen, given two commodities, अगर आप दो commodity दे रहे हो, a consumer may across three possibilities, either that person will say A is better than B, or that person will say B is better than A, or that person will say both are equal। अगला है भाई definition। अभी देखो भाई, indifference curve पढ़ाते हैं आपको। indifference curve क्या होता है भाई? सुनो, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, इकोनॉमिक्स के हिसाब से सपोज आपको मैं दो प्रोडक्ट देता हूं खाने के लिए, एक देता हूं चॉकलेट और एक देता हूं आइसक्रीम। आपने पढ़ा होगा कि रिसोर्स लिमिटेड है, तो मान लीजिए मैं आपको प्लेट में दो प्रोडक्ट देता हूं अलग अलग कॉम्बिनेशन, एक चॉकलेट और आइसक्रीम। कॉम्बिनेशन ए, 5 पीस चॉकलेट, 2 प्लेट आइसक्रीम। कॉम्बिनेशन बी, 3 और 3। कॉम्बिनेशन सी, 4 और 2। कॉम्बिनेशन डी, 2 और 1। अभी देखो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, सपोज आप किसी के शादी में जा रहे हो और आपको प्लेट में चॉकलेट भी मिला और आइसक्रीम भी मिला। अभी देखो, ए प्लेट भी ये कॉम्बिनेशन है, बी प्लेट में ये कॉम्बिनेशन, सी में ये कॉम्बिनेशन, डी में ये कॉम्बिनेशन। सपोज मान लीजिए अगर ये सारे कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, समझिएगा भाई, सपोज इस सारे कॉम्बिनेशन से अगर सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो एज अ कंज्यूमर आप कौन सा खाना पसंद करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, 5 प्लेट है आपके सामने, 4 प्लेट है आपके सामने,
ए बी सी डी अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बट मान लीजिए अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन खाना पसंद करेंगे? मैं आपको 15 सेकंड का 30 सेकंड का ब्रेक देता हूं, आप मुझे बताओ सोच के कि चार प्लेट है, चारों प्लेट में अलग अलग कॉम्बिनेशन में चॉकलेट और आइसक्रीम है, चार प्लेट है, चारों प्लेट में अलग अलग कॉम्बिनेशन में चॉकलेट और आइसक्रीम है, जल्दी से बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन आप खाना पसंद करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन, विच कॉम्बिनेशन विल यू प्रिफर, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको पसंद होगा? देखते हैं कौन सही जवाब देता है, और जो सही जवाब देगा ना भाई कमेंट में उसको डेली मिल देंगे। जल्दी बताओ भाई ए बी सी या डी कौन सा होगा कॉम्बिनेशन जो आप पसंद करेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप कमेंट में लिख के दिखाइए। चलो भाई विवेक, अलग अलग बच्चे उनका अलग अलग रिप्लाई। अभी देखो मैं आपको समझाता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर चार अलग अलग प्लेट है और चार अलग अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर चारों कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो कंज्यूमर कौन सा पसंद करेगा, मैं आपको बताता हूं। माय डियर स्टूडेंट, कंज्यूमर का एटीट्यूड जो होगा ना वो इनडिफरेंट एटीट्यूड होगा। इफ यू गेट सेम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, योर एटीट्यूड विल बी इनडिफरेंट। सर इनडिफरेंट मतलब यू वोंट केयर माय डियर, यू वोंट केयर, यू वोंट बॉदर, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो कस्टमर बोलेगा कुछ भी। कस्टमर क्या बोलेगा? कुछ भी मतलब इनडिफरेंट एटीट्यूड माय डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट, गिवन द टू कमोडिटीज, if you get the same satisfaction, your attitude as a consumer would be indifferent. You won't get confused. क्या use करे भाई, सब तो same ही है। आपको मैं example देता हूं, इसको आप दो मिनट में मिटा दो। Suppose मान लीजिए आपके घर में चार शर्ट है, चारों शर्ट आपको पसंद है। अभी माता जी आपकी मम्मी अलमारी से शर्ट निकाल रही है, अभी बताओ मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा कौन सा शर्ट निकाल के दे, तो आपका आंसर क्या होता है? मम्मी कुछ भी। क्या आंसर होता है? कुछ भी मम्मी, कोई भी। अरे भाई क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू गेट द सेम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, इफ यू गेट द सेम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, योर एटीट्यूड विल बी इनडिफरेंट। अगर आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है अलग अलग कॉम्बिनेशन से तो आपका एटीट्यूड इनडिफरेंट होगा। इनडिफरेंट मतलब यू विल नॉट केयर विच कॉम्बिनेशन यू आर यूजिंग। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है, तो सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, इनडिफरेंस कर्व में हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। अभी हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। कर्व मतलब होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो इनडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव्स यू द सेम सेटिस्फैक्शन। इनडिफरेंस कर्व में हम लोग ग्राफ में दो ऐसे कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करेंगे, दो ऐसा कॉम्बिनेशन गुड्स का हम लोग शो करेंगे जिससे लोग को सेम सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, जब दो अलग अलग कॉम्बिनेशन या अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज करके आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आपका रिप्लाई होता है कुछ भी। क्या रिप्लाई होता है? कुछ भी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन। दो अलग अलग सामान को जब आप ग्राफ में शो करोगे और उससे अगर आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व में हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने वाले हैं दो ऐसे सामान का जो हम लोग को सेम सेटिस्फैक्शन देता है। तो इसका पूरा थ्योरी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। चलिए नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आइए, देखिए स्टडी मैट निकाले भाई। देखिए भाई आइए,
तो ग्राफ बनाने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम ये शो करने वाले हैं कि दो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो हम लोग को सेम सेटिस्फेक्शन देता है, उस केस में कंज्यूमर का व्यवहार कैसा होगा, कंज्यूमर का एटीट्यूड कैसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू प्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव्स द कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन।